ओम शांति। 16 नवंबर 2024 के हाजिर हैं शिव बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वे तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्र लगाकर आते हैं तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती हैं, शरीर का जोखिम अर्थात रिस्क उठाकर जाते हैं। वे हैं साइंस घमंडी, तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वे सब हैं जिस्मानी हुनर, तुमको बाप रूहानी हुनर अर्थात कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइस मिलती है? 21 जन्मों की प्राइस मिलती है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, यह बाप तुमको प्राइस देते हैं। और क्या सिखाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहाँ तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गंवाई है वह कहाँ है? रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, यहाँ कोई को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो, बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है, वे कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो ये तो इस मांडवे की बत्तियां हैं, जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। ये फिर है बेहद की दुनिया, इसमें ये सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा ये देवताएं हैं, परंतु ये देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, ये भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे, याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं।
स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल, इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनाने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सत्युग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे अर्थात आत्माएं भी रहते हैं। ये है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वे कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वे माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि उन्हों को ये जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है कल क्या होगा, आज तुम नरकवासी हो कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है, तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वे जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वे सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन आत्माएं? बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे? उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे ये करेंगे, बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा, तुम कहाँ जाते हो फिर कैसे आते हो, कोई पता नहीं। तुमको क्या प्राइस मिलती है ये भी तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी ही है, हर 5,000 वर्ष बाद वे अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फखर होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं फिर भी करेंगे। ये सब बातें और कोई नहीं जानते, बाप है गुप्त। तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं, उन लोगों का जाना है हद तक। तुम बेहद में जाते हो, वे चंद्रमा तक जाते हैं। अब वे तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं, उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है, तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती हैं फिर आती हैं पाठ बजाने, वह भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी ही है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सत्ययुग में तो ज्ञान होता नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना? वे हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, भल कितना भी मिले
परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे कि मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो, गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वे गीता पढ़ते हैं, परंतु एक का भी बाप से योग नहीं। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण हैं। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। ये भी समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है, ऐसा देते रहेंगे, मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं, तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठिककर भीतर तरफ लग गया है। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। ये तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो। बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए? फिर क्यों कहते कि बाबा हम भूल जाते हैं? कितना ऊंच ते ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है, गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हब करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है, कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था? बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। ये वैष्णव राज्य है ना, कहाँ ये महान पवित्र देवताएं, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हब करते जाते हैं, आदमखोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है, अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। ये एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो, ये सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर मेरु डॉट डॉट डॉट, प्रवृत्ति मार्ग है ना,
निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं, ये है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई कोई हैं जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते, सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं। उन्हों को यह राजयोग किसने सिखाया, बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। ये 84 जन्म कैसे लेते, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ... बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं, और पवित्र भी बनना है तब ही ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो, बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं। दाता है ना, वह कुछ लेता नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई की ये है प्राइस। ऐसी प्राइस तो और कोई दे ना सके, तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो। बाप ने बताया है ये युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वे पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है, जो गिरते हैं वे फिर मुरली भी कहाँ से सुने। सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो, गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे, तुमने माया से कैसे हार खाई है। बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है, तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया सारा हप न कर ले, वे फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फख्र अर्थात नशा रहे बाप हमें, कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइस देते हैं। दूसरा, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। वरदान, परम पूज्य बन परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, सदा यह स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है, उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हों, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है। जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं, वही परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं। स्लोगन, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर, हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। ओम शांति।